Welcome to Transformers video part 15. Today we are going to see the test on transformers, and in this video we are going to discuss about short circuit test on transformers. हम देखेंगे short circuit test transformer में क्यों करता है, कैसा करता है, उसका importance क्या है, उसमें क्या क्या results हम ले सकता है, ये सभी चीज़ें हमको बताना है इसमें, ये video में. ये शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट का और भी एक नाम है, उसका नाम है इम्पीडेंस टेस्ट. दोनों एक ही है, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट, बोथ आर सेम थिंग. व्हाई इट इज़ बीइंग डन, व्हाई शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट इज डन, इट इज़ टू फाइंड आउट द कॉपर लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर. देर आर टू लॉसेस एज यू आर नोइंग, शॉर्ट कॉपर लॉस एंड कोर लॉस. ये ट्रांसफॉर्मर में दो तरह का लॉस होता है, कॉपर लॉस और कोर लॉस. ये शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट से हमको कॉपर लॉस मिलेगा. कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट कर रहा है. और कुछ मदद है उसमें? यस, ये इक्विवेलेंट सर्क्यूट ड्रॉ करने के लिए हमें मदद करता है. सो द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट इज डन टू ड्रॉ द पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्क्यूट ऑल्सो. फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट वी विल बी एबल टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्क्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सम पार्ट ऑफ द इक्विवेलेंट सर्क्यूट. तो दो रीजन से शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करने के लिए क्या क्या है, एक तो कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा है पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्क्यूट, ये रिजल्ट से हमको ड्रॉ कर सकता है. अभी पूरा सर्क्यूट हम देखेंगे, इसमें पूरा सर्क्यूट कैसे है वो देखना है. अभी अभी देख लीजिए, ये ट्रांसफॉर्मर है. ये ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग प्राइमरी भी है और दूसरा सेकेंडरी भी है, लेकिन हम कैसे बताएंगे हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड. ये ट्रांसफॉर्मर में हम प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा और उसके बदले में हाई वोल्टेज यानी और लो वोल्टेज वाइंडिंग ऐसा ही बताएगा, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों इंटरचेंज भी करेगा. ठीक है, सो हम एल वी बताना है, नहीं तो एच वी बताना है. और ये शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में क्या करता है, तो आप देख सकता है लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इट विल बी शॉर्ट सर्क्यूटेड. एग्जाम्पल बताइए तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है 11 के वी बार 415 वोल्ट. ओके, ये ट्रांसफॉर्मर आपके पास है, सोचो तो उसमें आपको शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करना है. तो आप क्या करता है, ये 415 वोल्टेज तो इधर लो वोल्टेज वाइंडिंग है, 415 वोल्टेज आप शॉर्ट सर्क्यूट करेंगे. You will be short circuiting the low voltage winding of the transformer. Clear? So this is generally being practiced. ये भी आप जानकारी में मीनिंग ले लीजिए, ये दोनों साइड में भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. टेक्निकली इट इज़ द सेम, बट जनरली विल बी डूइंग ऑन लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्क्यूट. वाई वी विल डिस्कस, क्यों ऐसा कर रहा है वो बताना है, वो बताएंगे. उसके पहले ये देख लीजिए, हमारा हाई वोल्टेज साइड में पूरा सप्लाई दे रहा है हाई वोल्टेज साइड में, और इधर दे लिया है एल वी सप्लाई. ओके, क्या है एल वी सप्लाई, ऑलरेडी हाई वोल्टेज है, एल वी सप्लाई है, वो कैसे काम करेंगे, कुछ गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं, ऐसा ही है. हाई वोल्टेज साइड में हमको पूरा वोल्टेज देना नहीं पड़ेगा. ओके, क्या है, हाई वोल्टेज साइड में आप सप्लाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा हाई वोल्टेज 11 के वी का साइड इसमें है, तो भी आपको 11 के वी कोई देने का आवश्यकता नहीं होगा. ओके, यू हैव टू गिव लो वोल्टेज, दैट इज 11 के वी नहीं देना है, हाई वोल्टेज साइड में कम वोल्टेज दे तो भी आपको शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट कर सकता है. ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. आप देख सकता है लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्क्यूट किया है और हाई वोल्टेज साइड पे सप्लाई दे दिया है, और हाई वोल्टेज बढ़ा तो भी ये पूरा वोल्टेज इधर देने का ज़रूरत नहीं है, वो समझिए. ये द ट्रांसफॉर्मर, इन द ट्रांसफॉर्मर द एल वी साइड इज शॉर्ट सर्क्यूटेड, एल वी साइड इज शॉर्ट सर्क्यूटेड एंड सप्लाई इज गिवन टू हाई वोल्टेज साइड. देन द सेकंड थिंग इज इन द हाई वोल्टेज साइड यू नीड नॉट गिव द फुल वोल्टेज. 11 के वी है तो आपको 11 के वी देने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों वो बताना है अभी. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इन द हाई वोल्टेज साइड वी नीड नॉट गिव द रेटेड वोल्टेज. 11 के वी रेटेड वोल्टेज तो 11 के वी देना का नहीं देना है, वो इम्पोर्टेंट है. यू डोंट गिव द फुल रेटेड वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज. वाई? बिकॉज अभी उसका रीजन ये है, इसमें शॉर्ट सर्क्यूट है.
कोई जगह तो शॉर्ट सर्किट है तो आपको जानकारी है वोल्टेज नहीं रहेगा, ओके इधर पूरा शॉर्ट सर्किट है तो उसमें वोल्टेज नहीं रहेगा, ठीक है। ये पूरा वोल्टेज खत्म होता है, जनरली कोई भी शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज आप देख लिया तो 0 वोल्टेज ही आएगा, ऑलमोस्ट 0 वोल्टेज। तो लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट किया है, उसके वजह से बहुत कम वोल्टेज दे दिए तो पूरा करंट आएगा। तो क्या करंट आना है वो करंट के अनुसार रहेगा, बताएंगे अभी। ये रेटेड करंट, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेटेड करंट इसमें पास करना है। रेटेड करंट LV साइड में हम पास करेंगे। ये रेटेड करंट पास करने के लिए हाई वोल्टेज साइड में बहुत कम वोल्टेज ही चाहिए, ओके। द लो वोल्टेज साइड इज शॉर्ट सर्क्यूटेड एंड वी आर सेंडिंग द रेटेड करंट थ्रू दैट। तो पास द रेटेड करंट वी ओनली रिक्वायर ए स्मॉल वोल्टेज इन द हाई वोल्टेज साइड बिकॉज इट इज ऑलरेडी शॉर्ट सर्क्यूटेड। अंडर शॉर्ट सर्क्यूट देर इज नो हायर इम्पिडेंस, वेरी वेरी लेस इम्पिडेंस, ठीक है। अंडर शॉर्ट सर्क्यूट इम्पिडेंस बहुत कम होता है, इम्पिडेंस बहुत कम होता हो गया तो कम वोल्टेज से ही विद इन स्मॉल वोल्टेज द फुल करंट वी कैन पास, ओके। सो यू विल बी गिविंग ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर सॉर्ट ऑफ थिंग इन द प्राइमरी एंड यू विल बी रिड्यूसिंग द रेटेड वोल्टेज एंड इट विल बी कनेक्टेड टू द सप्लाई साइड, ओके। सो अब देखिए इधर 1 KVA का ट्रांसफॉर्मर है, तो 1 KVA का ट्रांसफॉर्मर है सोचो, तो आपको ये हाई वोल्टेज साइड में रेटेड करंट पास करना है। रेटेड करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक करंट का इक्वेशन अभी आपको बता सकता है I इज इक्वल टू, ये 1000 है, 1 × 1000, 1 KVA, ओके, 1 × 1000 डिवाइडेड बाई इट्स वोल्टेज। मे बी 230 है तो प्राइमरी साइड 230 है तो, और हाई वोल्टेज साइड 230 है तो आपको 230 से डिवाइड करना है। सो यू विल बी गेटिंग 1000/230 एज द करंट। 1000/230 विल बी द करंट टू बी पास्ड इन द हाई वोल्टेज साइड, जनरली 4.34 जैसा एम्पियर आता है। ये सिंपल कैलकुलेशन एग्जाम्पल के लिए बताया है। क्या करना है आपको, ये हाई वोल्टेज साइड में आपको रेटेड करंट पास करना है। रेटेड करंट कैलकुलेट करने के लिए तरीका अभी लिया था, वो KVA डिवाइडेड बाय वोल्टेज, सिंगल फेस है तो KVA/वोल्टेज, 3 फेस है तो KVA/√3 वोल्टेज, √3 × वोल्टेज, ओके। सो प्रैक्टिकल लैब में हम पूरा वो भी देखेंगे। तो अभी ये रेटेड करंट इतना पास करना है, 230 वोल्टेज 1 KVA तो 4.3 एम्पीयर जैसा इधर पास करना है। ये पास करने के लिए वोल्टेज बहुत कम ही चाहिए। अभी सोचो ये 230 वोल्ट का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर साइड है तो आप पूरा वोल्टेज इधर देना नहीं पड़ेगा। यू डोंट गिव 230 वोल्ट, यू रिड्यूस द वोल्टेज बाई एन ऑटो ट्रांसफार्मर इन द प्राइमरी साइड एंड गिव अराउंड लेस वोल्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। फ्रॉम 0 यू स्टार्ट द वोल्टेज, मे बी अप टू विद इन 20 वोल्टेज, 20 वोल्ट यू विल बी एबल टू सर्कुलेट द एंटायर करंट, ओके। तो एग्जाम्पल बताता हूँ अभी। ये सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूट होने के वजह से आप एक एग्जाम्पल ले दिए तो इस साइड में एक 230 वोल्टेज का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सोचो, आप इधर 20 वोल्टेज देने पर ही 20 वोल्ट आसपास मैक्सिमम बता सकता हूँ, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट देने के समय ही आपको पूरा रेटेड करंट पास कर सकता है। तो रेटेड करंट आप कैसे देखेंगे, उसके लिए इधर एक अमीटर दे दिया है, मेशर द अमीटर रीडिंग एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट द करंट। सो वॉट यू हैव टू डू, यू सेट द रेटेड करंट थ्रू द हाई वोल्टेज साइड एंड मेशर द वोल्टेज, कितना वोल्टेज आता है आप मेशर ही करना है, वोल्टेज एडजस्ट नहीं करना है। आप क्या एडजस्ट करना है, रेटेड करंट, आपको शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में ये रेटेड करंट एडजस्ट करना है, वो उसके अनुसार कितना वोल्टेज का आ गया वो चेक कर दीजिए। एग्जाम्पल बताए तो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट में इधर 20 वोल्टेज आसपास, उसके आसपास आपको पूरा रेटेड करंट मिलेगा। उसी समय एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कोई समय शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट कर रहा है तो ये वोल्टेज साइड में 0 वोल्टेज से शुरू करना है, 0 वोल्टेज, ओके। 0 वोल्टेज, 0 से एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा के धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करना है। क्या है, एक शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करने में इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करने के समय LV आप शॉर्ट सर्क्यूट करेगा और HV में पूरा वोल्टेज ना दे,
एचवी साइड में 0 वोल्टेज पहले दे दीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर इधर देना है, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर के मदद से आप एक वोल्टेज वेरी करके 0 से लेके मैक्सिमम तक, 0 से लेके 20 वोल्ट तक धीरे धीरे चलना, उसी समय आपको रेटेड करंट मिलेगा। अभी आप 230 वोल्ट डायरेक्टली दे दिया तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्क्यूट है, 230 वोल्ट दे दिया तो हेवी करंट आएगा, हेवी करंट आएगा और मीटर डैमेज करने का चांस है, प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो खराब भी कर सकता है। तो आप एसी टेस्ट करने के समय इट्स ए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी कंसर्न, ओके, लो वोल्टेज साइड 0 से ये इम्पोर्टेंट है, दोबारा आपके मन में रखना। और अभी ये वाट मीटर के बारे में बताएंगे, वाट मीटर अभी क्या दिखाएगा, पावर, कुछ पावर दिखाएगा, वो हम मानेंगे कॉपर लॉस जैसा, ये पूरा वाट मीटर हम कॉपर लॉस मानेगा। तो आप मीटर से रेटेड करंट आप देखेंगे, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज देखेंगे, और वाटर मीटर से आपको लॉस मिलेगा, हम बताएंगे ये लॉस पूरा कॉपर लॉस है, पूरा कॉपर लॉस मानेंगे, 20 वाट मिला तो 20 वाट कॉपर लॉस है। अभी एक और भी चीज़ बताएंगे, ये कॉपर लॉस पूरा रेसिस्टिव लॉस है, उसके वजह से ये वाट मीटर आप यूपीएफ वाट मीटर यूज कर सकता है, यूपीएफ वाट मीटर, ओके, और आप ओसी टेस्ट करने के समय वो एलपीएफ वाट मीटर यूज करना पड़ेगा, ये मन में रखिए। प्रैक्टिकल क्लास में आगे बताएंगे क्या है यूपीएफ, और हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर है उसमें आगे आपको बताएंगे क्या है यूपीएफ क्या है एलपीएफ, तो ये मन में रखना है। शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट है तो यूपीएफ वाट मीटर, और ओपन सर्क्यूट टेस्ट है तो एलपीएफ वाट मीटर, पावर फैक्टर कम रहेगा, ये पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में, और लोअर पावर फैक्टर रहेगा ओपन सर्क्यूट टेस्ट में, क्योंकि ये तो पूरा कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस है तो रेसिस्टिव लोड है, वोल्टेज और करंट इन फेज रहेगा, उसके वजह से वो कॉपर लॉस यूनिटी पावर फैक्टर मानता है। और ये ओपन सर्क्यूट रहे तो ओपन सर्क्यूट में वोल्टेज और करंट, करंट ऑलमोस्ट 90 डिग्री लैग ही रहेगा, तो इतना कम रहेगा उसका पावर फैक्टर, ओके। तो आगे देखेंगे ये सर्क्यूट के बारे में, तो किसके लिए शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट यानी इम्पीडेंसेस करता है, कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए। एलवी साइड शॉर्ट सर्क्यूट किया है, उसके प्रोसीजर बताए तो आप एलवी साइड शॉर्ट सर्क्यूट करना है और रेटेड करंट पास करना है एचवी साइड में। तो करंट आपको कैलकुलेट करना है कैसा है पता है, अभी केवीए डिवाइडेड बाय वोल्टेज सिंबल है, सिंगल फेस है तो केवीए, अच्छा लिखना नहीं है ये माउस से, माफ कीजिए, और वोल्टेज केवीए बाय वोल्टेज रहेगा सिंगल फेस को, ओके, ये तो सिंगल फेस करेगा, और अभी 3 फेस है तो कैसे करेंगे, केवीए इजिकल टू, और आई इजिकल टू केवीए कितना है, 3 केवीए तो 3 × 1000 दैट इज केवीए डिवाइडेड बाई, यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लाई √3 × √3 × V, क्योंकि √3 VIA है केवीए, तो इससे आपको रेटेड करंट देख सकता है 3 फेज में। तो सिंगल फेज भी बताया मैंने, 3 फेज भी बताया, वी हैव सीन बोथ सिंगल फेज एंड 3 फेज रेटेड करंट फाइंडिंग आउट। नाउ यू कैन सी द वोल्टेज एट एच वी साइड दैट इज अंडर शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, हमको 5 से लेके 10% वोल्टेज ही देना है, ओके, क्या है आपका वोल्टेज जितना भी है वो रेटेड वोल्टेज बताता है, प्राइमरी हाई वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का 230 वोल्ट हो सकता है, 415 हो सकता है, और 11 kV हो सकता है, जितना भी है तो उसका 5% से लेके 10% से के वोल्टेज ही ड्यूरिंग टेस्ट देना है, ओके, वो इम्पोर्टेंट देख लेना। तो 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर देख बताए तो 5 से लेके 10 वोल्टेज तक, 200 वोल्टेज का दे तो 10 से लेके 20 तक, ऑलमोस्ट 230 है तो ऑलमोस्ट 20 से आसपास रहेगा, ओके। अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में पूरा लॉस आप कॉपर लॉस मानता है, वो क्यों, क्या है, व्हाई शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट रिजल्ट इज कंसिडर्ड एज फुल्ली कॉपर लॉस, आपको आंसर करना है व्हाई कॉपर लॉस ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट इज नेग्लेक्टेड। हमको पता है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस भी है, कॉपर लॉस भी है,
जिसमें कॉपर लॉस मानता है पूरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, क्यों कोर लॉस नेगलेक्ट करता है? कोर लॉस अभी भी हो सकता है क्या? तो क्यों वो नेगलेक्ट करना है? कोर लॉस तो फिक्सर लॉस बताया हमने, लेकिन वो अभी नेगलेक्ट करने के लिए बताता है क्यों? ये आंसर आपको जवाब देना है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट में कोर लॉस के बारे में अभी बताता है। अभी सवाल ये था कोर लॉस क्यों नेगलेक्ट करता है। द क्वेश्चन इज अंडर ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट व्हाई यू आर नेगलेक्टिंग कोर लॉस। द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये पहला कंडीशन आप देखिए, फ्लक्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज इंक्रीज किया, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। वोल्टेज कम किया तो फ्लक्स कम होगा। वोल्टेज शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में बहुत कम है, 5 से लेके 10% तक। ओके, कैसे है? आपका प्राइमरी साइड में और हाई वोल्टेज साइड में देने वाला वोल्टेज उसका 5 से लेके 10% है। 100 है तो 5 वोल्टेज यानी और अप टू 10 वोल्ट देता है, तो वोल्टेज इज लो। शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में हम देने वाला वोल्टेज बहुत कम है। वोल्टेज कम हो गया तो क्या होगा? फ्लक्स और भी कम होगा। वोल्टेज कम हो गया, फ्लक्स भी कम होता है। व्हेन द वोल्टेज इज लेस, द फ्लक्स ऑल्सो विल बी लेस। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कोर लॉस, इट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्स सेटिंग लॉस। कोर लॉस उसका मतलब भी ही ये है, फ्लक्स सेटिंग अप लॉस। क्या है कोर लॉस का मतलब? ये है वो फ्लक्स सेटिंग अप लॉस से आपका फ्लक्स ही कम है। क्यों? वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया, अभी फ्लक्स डिपेंडेंट लॉस दैट इज कोर लॉस विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, तो ये जवाब ऐसा है, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में पूरा कॉपर लॉस हम मानता है, क्यों कोर लॉस नेगलेक्ट करता है? कोर लॉस फ्लक्स से डिपेंड है और फ्लक्स वोल्टेज से डिपेंड है। शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में वोल्टेज बहुत कम है, उसके वजह से कोर लॉस नेगलेक्ट कर सकता है, तो वो कंसिडर नहीं करना है कोर लॉस। ओके, अभी बताता है वाटमीटर एसी टेस्ट में हम पूरा कॉपर लॉस मानता है। ये आंसर भी आपको अभी मिल गया। शॉर्ट सर्क्यूट में वाई ट्रांसफॉर्मर सॉरी वाई वाटमीटर इज कंसिडर्ड एज कॉपर लॉस ओनली। इन द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट द फ्लक्स सेटिंग अप लॉस और कोर लॉस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। वाई? बिकॉज द कोर लॉस इज डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्स एंड फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज। इन द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट द वोल्टेज इज वेरी लो, अप टू 5 to 10% ओनली, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो we have discussed about the short circuit test, its requirement and its safety importance and copper loss part. Now हमको calculation लेना है equivalent circuit के लिए। ये पता है what is transformation ratio V2 by V1. So transformation ratio का equation आप देख लीजिए, V2 by V1 है। और voltage का equation AC में क्या होगा? I set सभी जगह में। DC है तो IR बता सकता है, ठीक है? DC में तो IR है एंड एसी में है तो आई सेट बता सकता है। अभी देख लीजिए ये शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में क्या होगा। I2 तो क्या है? I2 आपको जानता है वो सेकेंडरी करंट है। Z02 तो क्या है? Z02 आपको पता होना चाहिए वो इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर का रेफर्ड टू सेकेंडरी। ये बता दिया था पहले वीडियो में कैसे Z02 आता है। Z02 इज द इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ऑफ टोटली। I2 इज द सेकेंडरी करंट एंड इम्पीडेंस द टोटल, दैट इज Z1 - Z2, दैट इज Z02। आपको पता होना है, पहला वीडियो देख लीजिए नहीं पता है तो। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन आ गया शॉर्ट सर्क्यूट वोल्टेज। तो ये शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन में आपको मिलने वाला वोल्टेज, अब तो वोल्टेज वोल्टमीटर से मेजर करता है वो, ये शॉर्ट सर्क्यूट। इससे हमको क्या कैलकुलेट कर सकता है? Z02 VSC, आपको वोल्टेज वोल्ट मीटर से रीडिंग मिल गया है वोल्ट VSC का, और I2 भी अमीटर से मिल गया है। ये दोनों पता है आपको, VSC एंड I2। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट Z02 फ्रॉम द OC टेस्ट। सॉरी एस, दिस इज नॉट OC टेस्ट डाटा, दिस इज शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट डाटा, SC टेस्ट डाटा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज ड्यूरिंग द एडिटिंग इट इज रॉन्ग। सो SC टेस्ट डाटा से ये कैलकुलेट कर सकता है। अभी Z01 we can transfer the values from primary to secondary or secondary to primary. For impedance transfer from secondary to primary, what we are doing is divided by K² then you will be able to calculate the impedance of the transformer referred to primary. Z01 is equal to Z02 by K² okay, and from that we will be also knowing
द पावर इज मेजर्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्क्यूट, इट इज डब्ल्यू एस सी. वाट आवर द पावर मेजर्ड थ्रू द वाट मीटर, इट इज डब्ल्यू एस सी. अभी जो वाट मीटर से मिला आपको वो कॉपर लॉ से, एक कॉपर लॉ का इक्वेशन आप देख लीजिए, आई टू स्क्वायर्ड आर सीरो टू. आई टू तो सेकेंडरी करंट है और लो वोल्टेज का करंट है, और आर सीरो टू तो रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू सेकेंडरी. तो हमको ये मिलेगा डब्ल्यू एस सी. ये सेकेंडरी क्यों माना है, क्योंकि हम हाई वोल्टेज में कर रहा है. जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वो, तो जीरो टू हाई वोल्टेज साइड मानता है सेकेंडरी. तो आई टू स्क्वायर आर सीरो टू डब्ल्यू सी आपको मिलेगा. तो आर सीरो टू, ये डब्ल्यू सी आपको वाट मीटर रीडिंग से मिला और आर सीरो टू अपने आपको मिला है. नाउ यू विल बी एबल टू सी फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आर सीरो टू. आप सीरो टू आपको मेजर करना पड़ेगा, उससे आपको डब्ल्यू सी बाई आई टू स्क्वायर कर सकता है. तो आर सीरो टू मिलेगा. आर सीरो टू एक बार मिल गया, आपको आर सीरो वन भी मिल सकता है डिवाइडेड बाई के स्क्वायर. आर सीरो टू सेकेंडरी वैल्यूज, इम्पिडेंस वैल्यू, रेसिस्टेंस, इम्पिडेंस और इंडक्टेंस, ये सेकेंडरी से प्राइमरी तक लेने तक डिवाइडेड बाई के स्क्वायर करना. ये भी हमारा प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसा है, इम्पिडेंस रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सेकेंडरी से प्राइमरी तक ट्रांसफर करना है तो डिवाइडेड बाई के स्क्वायर करना है. तो आपको आर सीरो वन मिलेगा. तो आर सीरो वन का जानकारी एक बार है तो आपको एक्स जीरो वन भी कैलकुलेट सकता है. सॉरी अगेन दिस मिस्टेक, इट इज एक्स जीरो वन स्क्वायर माइनस आर सीरो वन. आई विल जस्ट करेक्ट इट. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस आर सीरो वन. बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दैट विथ रेस्पेक्ट टू इम्पीडेंस. कैलकुलेट चेक करना है. ओके करेक्ट कर दिया, ये पहले मिस्टेक भी हम करेक्ट करेंगे अभी लाइव. ओके करेक्ट हो गया. सो इसी टेस्ट डाटा से हमका लास्ट करेक्ट सेट जीरो वन स्क्वायर माइनस आर जीरो वन स्क्वायर मिल गया, एक्स जीरो वन आपको मिल गया. तो ये पूरा चीज़ आपको इधर है, ये पूरा इक्वेशंस अभी आपको इधर आ गया. सेट जीरो वन टोटली इट इज मेड अप ऑफ आर जीरो वन एंड एक्स जीरो वन, एंड आर आर वन प्लस आर टू डैश इज आर जीरो वन, एक्स वन प्लस एक्स टू डैश इज एक्स जीरो वन. सो दिस इज अबाउट कॉपर लॉस टेस्ट बाई एस सी टेस्ट मेथड एंड इट्स यूजेस.